The internet is full of bro science, fake knowledge, half information, or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon, and you never have to go anywhere else ever again. नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं डॉक्टर परमजीत, आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन। सर्दियां आ गई हैं, ठंड शुरू हो गई है, या मौसम बदलते ही लोगों को सर्दी खांसी होनी शुरू हो जाती है। फिर ओवर द काउंटर OTC एंटी हिस्टामिन यानी सर्दी खांसी की दवाई लेना ऐसा शुरू होता है कि आछू आछू लादो वाला मेडिकल स्टोर वाले भैया दवाई दे दो, डॉक्टर साहब दवाई दे दो, खुली दवा दे दो, बंद दवा दे दो, पत्ता दे दो, मेरे को तो पता है कौन सी दवा लेनी, मैं खुद ले लूंगा, है कि नहीं। तो ओवर द काउंटर OTC एंटी हिस्टामिन जो एलर्जी या सर्दी खांसी के ट्रीटमेंट्स के लिए यूज़ होती हैं, कई बार वो कई सारे लोग, कई सारे डॉक्टर्स बिना और कई सारे मेडिकल स्टोर से आपको मिल जाएगी। कई गोलियां, लिक्विड, नेजल स्प्रे, जेल, आई ड्रॉप इनके इसमें भी आते हैं। एंटी हिस्टामिन बेसिकली एलर्जी के लिए होते हैं और ये एक तरीके से फर्स्ट सेकेंड जनरेशन, दो जनरेशन हैं और दोनों के दोनों एलर्जीज में काम करते हैं। कोल्ड मेडिसिन में भी इसका बहुत खूंखार यूज़ होता है। कैसे करें इसका, खा लें बिना सोचे समझे, थोड़ा समझ लो समझने में क्या जाता है, और शेयर करो वीडियो, लाइक करो जल्दी से। जब भी आपकी बॉडी को कोई भी एलर्जन यानी कि जब मौसम बदलता है, किसी को ठंड से एलर्जी है, किसी को डस्ट से एलर्जी है, किसी को ये जो फटाके फोड़ दिया इतने पोल्यूशन से एलर्जी है, तब क्या होता है, इन एलर्जी से वजह से आपकी बॉडी के अंदर से कुछ केमिकल्स निकलते हैं, वो हिस्टामिन्स, इसलिए इसको एंटी हिस्टामिन बोल के मान लो, है कि नहीं। तो ये हिस्टामिन जो होते हैं ये आपको इचिंग, खुजली, स्नीजिंग, आछू, रनिंग नोज, वाटरी आईज, ये सब एलर्जी जैसे साइंस प्रोड्यूस करते हैं। सो एंटी हिस्टामिन हिस्टामिन को बहुत खूंखार तरीके से आने से रोकता है या आगे निकलने से रोकता है, तो सिम्टम्स आपके कम हो जाते हैं, मैनेज हो जाते हैं। एलर्जी तो जब तक एलर्जन आता रहेगा एलर्जी रहेगी, यानी कि मैं बाहर जाऊंगा और मैं भटाके फोड़ूंगा और आछू आछू धूल मिट्टी में जाऊंगा और एंटी हिस्टामिन लेके सो जाऊंगा तो सोचूंगा कि मेरे को एलर्जी नहीं है, ऐसा नहीं, गलत है। ट्रिगर, आपको अगर किसी चीज़ से एलर्जी है तो आपको ट्रिगर को रोकना जरूरी है। फर्स्ट जनरेशन एंटी हिस्टामिन के बारे में बात कर लेते हैं, जो बहुत सारी बहुत कॉमन चीज़ें हैं। अब बात करते हैं फर्स्ट जनरेशन, मतलब जो बहुत पुराने हैं, पहले डेवलप हुआ था, सबसे कॉमन, उसके वजह से क्या होता है, वो आपके ब्रेन में काम करते हैं, वो कंट्रोल करते हैं जो नौशिया वॉमिटिंग वाला। तो इवन वो फर्स्ट जनरेशन वाले जो है वो मोशन सिकनेस के लिए भी दिए जाते हैं, और उन एंटी हिस्टामिन के वजह से जो साइड इफ़ेक्ट होता है वो है नींद आना। तो नींद आती है उससे बहुत ज़्यादा, इसलिए एंटी हिस्टामिन ज़्यादातर आपको रात को लेने के लिए बोलते हैं, है ना, खाते हैं ना। सो फर्स्ट जनरेशन में कौन कौन से आ जाते हैं, और मोस्ट कॉमन एंटी हिस्टामिन जो आप इवन देख लोगे बच्चों के लिए भी, जैसे ये है ब्रोमफेनिरामीन, डाइफेनहाइड्रामीन और डाइफेनहाइड्रामीन, डाइफेनहाइड्रामीन कहाँ से आ गई, और डॉक्सिलामीन, ये सब लिक्विड्स आपको मिल जाएंगे बच्चों के लिए सिर्फ। सेकेंड जनरेशन में आपका आया सिट्रिजीन, इसे भी बहुत नींद आती है, लोराटिडीन और फेक्सोफिनाडीन। सो फर्स्ट जनरेशन मतलब इनसे तो और भी ज़्यादा नींद आती है, सेकंड जनरेशन से भी नींद आती है, थोड़ी कम नींद आती है फिर भी आती है, और इसके कम नींद आती है, ऐसा है विदाउट स्लीपीनेस से ये वाला है, फिनोफेक्सिडीन से और लोराटिडीन से बहुत कम नींद आती है, सिट्रिजीन से फिर भी नींद आती है, लिवोसिट्रिजीन LCZ उससे थोड़ी और कम नींद आती है, आती तो है। सो एंटी हिस्टामिन्स कई बार दूसरी दवाइयों के साथ मिक्स किए जाते हैं, जैसे डीकंजेस्टेंट्स और खांसी की दवाइयाँ ऐसा वैसा, तो और पेन रिलीवर, पैरासिटामोल, तो इनके कॉम्बिनेशंस के साथ भी यूज़ होते हैं, तो इसका भी ध्यान रखना है कि दो दो एंटी हिस्टामिन एक साथ लोगे तो ज़्यादा नींद आएगी, ज़्यादा इफेक्ट दिखेगा, ज़्यादा साइड इफेक्ट्स होंगे। सो रिमेंबर, पढ़ना है लेबल और एंटी हिस्टामिन के बारे में समझना है। इट इज़ अ गुड आइडिया टू ट्रीट कि भाई जो आपका मेन ट्रिगर है उसको ठीक करो, प्रिवेंशन करो कि भाई डस्ट एलर्जी है तो उससे बचो, ठंड से एलर्जी है तो नाक कवर करो, थोड़ा सा गर्म रखो शरीर, मास्क पहनो, है कि नहीं। और अगर आप सेफली लेना चाहते हैं तो याद रखें कि कौन सी दवा ले रहे हैं, और वो एंटी हिस्टामिन है, एलर्जी की दवा है, और कितनी तरीके की ले रहे हैं याद रख के अपने डॉक्टर से डिस्कस कर लें, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लॉन्ग टर्म कोई दवा लेते हैं तो वो डॉक्टर को ज़रूर बता के लें, और जितना अमाउंट बताया गया है उतना ही लें, यानी कि दो गोली खाती हूँ मैं तो तीन गोली खाता हूँ उतना नहीं करना, ठीक है, ज़्यादा नहीं लेना, वेरी डेंजरस हो जाती है दवाइयाँ, और मिक्सिंग द मेडिसिन विल ऑल्सो भी डेंजरस। अपना एंटी हिस्टामिन्स को बहुत लंबे समय तक लेना है तो डॉक्टर से पूछ के लें, एक से ज़्यादा डॉक्टर के बोले बगैर नहीं लेना है, और एक्टिव इंग्रेडिएंट सेम नहीं होना चाहिए, सही तरीके से स्टोर करना है, कुछ जगहों पर लिखा होता है कुछ डू नॉट स्टोर इन अ रेफ्रिजरेटर, कोल्ड और ड्राई प्लेस में रखना है, बाथरूम में नहीं रखना है, और एक बार खोल लिया तो जल्दी से जल्दी यूज़ कर लेना है, वो सब इंस्ट्रक्शन जरूर पढ़ें जो लिखा होता है। कोई भी लिक्विड वाली चीज़ है तो उसे ओपन करने के बाद में
जितनी जल्दी हो सके उसी हफ्ते या दो हफ्ते के अंदर अंदर यूज़ करें। ऐसा नहीं कि ये पड़ी है दो महीने के बाद फिर या चार महीने के बाद फिर यूज़ हो रही है, डोंट डू दैट। थिंग्स टू रिमेंबर इज हर बंदे का एलर्जिक ट्रिगर अलग होते हैं, हर बंदे की नीड फॉर एंटी हिस्टामिन अलग होती है, बिकॉज उसके अंदर जो हिस्टामिन रिलीज होगा वो अलग क्वांटिटी में, किसी के कम किसी के साथ, राइट। सो कई लोगों को फर्स्ट जनरेशन से जल्दी आराम आता है, उनको नींद भी ज़्यादा आती है, कई लोगों को सेकेंड जनरेशन से सही रहता है बिकॉज उनको नींद कम, उनको ऐसा हो कि सुबह जल्दी उठना है, ऐसा वैसा है। सो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप दवाई ले सकते हैं अपने डॉक्टर से बात करके। सो साइड इफ़ेक्ट्स याद रखें, अगर आप दारू पीते हैं तो ड्रिंकिंग विल अगेन इंक्रीज द नींद वाला इफेक्ट ऑफ एंटीमाइट, डबल डबल नींद आ सकती है ज़्यादा, और ऐसा भी हो सकता है कि आप ज़्यादा देर तक सोए रहें, और एंटी हिस्टामिन की वजह से आपका माउथ आई और गला ड्राई फील हो सकता है, पेट में दर्द और हेडेक्स भी हो सकते हैं, कई सेकेंड जनरेशन के वजह से ज़्यादा हो सकता है ये वाला एंटी हिस्टामिन। और अपने डॉक्टर से बात करना है आपको अगर आप किसी भी प्रकार के मसल रिलैक्सेंट सेडेटिव नींद की गोलियां ले रहे हैं तो, बिकॉज नींद डबल आएगी। और अगर आप किसी प्रकार की कॉम्बिनेशन दवा ले रहे हैं, पेन वाली या नेजल डिकंजेस्टेंट वाली दवाइयाँ, तो आप अपने कॉम्बिनेशन वाली दवाई जो है वो कॉम्बिनेशंस, और मतलब कई बार उसमें एक दवा से लोगों को इफेक्ट नहीं आता तो वो दूसरी एक दवा ऐड कर देते हैं, ठीक है, और कई बार वो दो दवाइयाँ एक साथ इंटरेक्ट कर लेती हैं, कभी मान लीजिए बुखार की दवा खा ली, कॉम्बिनेशन खा ली, उसमें पैरासीटामोल, उसमें पैरासीटामोल, डबल पैरासीटामोल, तो समझ के खाना है, सोच के खाना है, डॉक्टर से बात करके खानी है, ऐसा ना हो कि एक से ज़्यादा ओवर द काउंटर पेन किलर या ओवर द काउंटर एलर्जी मेडिसिन ऐड हो जाए। अरे की बात है पता है तुम्हें, डॉक्टर से बात करते रहो, ठीक है, और बात करते रहो डॉक्टर से, और कौन से लोगों को नहीं लेनी चाहिए एंटीहिस्टामिन, जिसको ग्लॉकोमा है, जिसको पेशाब में दिक्कत आती है, जिनको ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, जिनको कोई भी प्रकार का अस्थमा, एनसाइसीमा, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है, वहाँ एंटीहिस्टामिन काम नहीं करेगा, उनको इनहेलर चाहिए, ब्रोंकोडायलेटर या स्टेरॉइड, थायराइड डिजीज़ है, हार्ट डिजीज़ है, तो फिर आपको सोच के लेना है, हाई ब्लड प्रेशर है तो भी आपको समझ के लेना है डॉक्टर से पूछ के, किडनी लीवर की बीमारी है तो भी खुद से नहीं लेना है डेली ट्रीटमेंट, ठीक है, सेकेंड जनरेशन वाला लेने से पहले अपने डॉक्टर से नहीं सही ले जा रहे, ठीक है। और आपके सिम्टम के लिए बेस्ट क्या है ये डॉक्टर से पूछें, उनके साइड इफेक्ट क्या है, कितने दिन खाना है, किस टाइम खाना है, रात को खाना है, यानी कि सुबह खा रहे हैं दिन भर सो रहे हैं, है ना, तो ये ध्यान में रखें। सो टॉक टू अ डॉक्टर एंड खुद से अपनी सर्दी को ठीक करने से पहले सोच लें कि साइड इफेक्ट्स होते हैं। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।